A very warm good morning everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your EVS teacher. बच्चों हम lesson 5th complete कर चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने पूरा read कर लिया है. तो अब मुझे नहीं लगता कि हमें requirement है वापस उसको करने की. और अगर आपको कोई problem होती है तो अपन उसको क्लियर भी कर सकते हैं. और ऐसा नहीं है, बीच बीच में मैम आपको रिपीट भी करवा देंगी. अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो मैम आपको रिपीट करवा देंगे, ठीक है. अब हम करेंगे लेसन 6th. आपको याद होगा लेसन 6th हम पहले थोड़ा सा रीड कर चुके हैं, बट बीच में हमने उसको रोक दिया था. तो अब हम स्टार्टिंग से करेंगे क्योंकि वो भूल गए. मुझे पता है आप सब भूल गए उसको, है ना. तो इतना तो याद होगा कि उसका नेम क्या था, कितने बच्चों को लर्न है ये, कितने बच्चों को ध्यान है कि लेसन 6th का नेम क्या था. मैम ने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता रखी है कि आप किसी भी काम को अगर करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या काम करने जा रहे हैं. जब आपको पता होगा कि हमें ये काम करना है तभी तो आप उस काम को करेंगे. जब आपको उस काम के बारे में ही नहीं पता तो आप कैसे करेंगे. आपको ये नहीं पता कि हमें जाना नानी के घर है, आपको नानी के घर जाना है, ठीक है. जब आपको ये नहीं पता कि नानी के घर जाना है तो आप कैसे जाएंगे नानी के घर. पहले आपको पता होना चाहिए ना हमें नानी के घर जाना है, क्यों जाना है. तो इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं. हम चैप्टर 6th रीड कर रहे हैं. अब उस चैप्टर का क्या नेम है, उसका क्या मीन है. तो उसका नेम क्या है, लीव्स इन आर लिप्स. क्या नेम है, लीव्स इन आर लिप्स. अच्छा बेटा इसका मीन क्या है, इसका मीन क्या है, लीव्स इन आर लिप्स. मतलब पत्तियों का हमारे जीवन में महत्व, हमारे जीवन में ये पत्तियां क्या काम आती हैं, क्या यूज है इनका, क्लियर. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम चैप्टर कौन सा रीड कर रहे हैं, उस चैप्टर का क्या नेम है और वो चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है, क्लियर. सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, देन हम आगे स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर जंप मारेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी. यस स्टार्ट. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. लीव्स की क्या होती है, अच्छा लीव्स हम सबने देख रखी है, कल मैम आपको लीव्स लाकर भी दिखाएंगे, ठीक है. लीव्स की क्या होती है, अलग अलग साइजेस होते हैं और शेप्स होती हैं. आपने देखा है ना, कोई लीव छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई इस शेप में होती है. कल मैम आपको दिखाएंगे सारी लीव्स, है ना. तो डिफरेंट डिफरेंट साइज की लीव्स होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है. अब पीपल की लीव की अलग शेप है, बनाना लीव की अलग शेप है कि नहीं है, नीम की लीव्स की अलग शेप है. तो सबकी शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है और सबकी साइज भी डिफरेंट होते हैं. दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. लेकिन जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो सेम होता है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम इंसान है, ठीक है. हम सबका क्या है, सबका स्ट्रक्चर मिनिमम सेम सा होता है. मेनली अपन सब सेम होते हैं, सबके टू हैंड होते हैं, टू लेग होते हैं, टू आईज होती है, वन नोज होती है, वन लिप्स होती हैं, यही सब कुछ होता है ना. लेकिन फेस क्या होता है हम सबका, डिफरेंट 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 होता है. कलर क्या होता है, किसी का थोड़ा डल होता है, किसी का फेयर होता है. तो सबका कलर भी डिफरेंट होता है और फेस भी सबका डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक पार्ट सेम होता है. सेम, बिल्कुल सेम. आप भी देखो घर में अगर 4 मेंबर हैं तो पापा का फेस अलग होगा, मम्मी का अलग होगा, दीदी का अलग, भैया का अलग, सबका डिफरेंट डिफरेंट है. लेकिन वही सबकी टू आईज है, टू वो हैंड है, टू लेग है, ये सब कुछ है ना. इसी तरह से लीव्स में होता है, क्लियर. बहुत अच्छे से क्लियर कर रही हूँ आपको एक चीज, लीव्स में भी ऐसा ही होता है, डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट साइज होते हैं, क्लियर.